अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे आका अलैहि सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, खातून जन्नत हजरत फातिमतु ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कनीज़ों, पहली तावील में फिर चंद वजूहात हैं। पहली वजह यानी इन्नी मुतवफ़िका का मायने ये है कि मैं तुम्हें पूरी उम्र तक पहुँचाऊँगा। अब अतो वफाका का मतलब ये होगा कि मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा कि यहूद तुम्हें कत्ल कर दें, बल्कि मैं आसमानों की तरफ तुम्हें उठा लूंगा और फरिश्तों का मुकर्रब बना दूंगा और तुम्हें इनसे महफूज रखूंगा कि यहूद तुम पर कादिर ना आ सकें। अल्लामा राजी ने इसी तावील को अच्छा कहा है। दूसरी वजह कि मुतवफ़िका का मायने ममीतका किया जाए, यानी मायने हजरत इब्ने आबाद और मोहम्मद बिन इसहाक से मरवी है कि मकसद इसका यह है कि यहूद आपको कत्ल नहीं कर सकेंगे, बल्कि आपको अपने वक्त पर तबई तौर पर वफात आएगी। अगरचे इब्ने वहब ने 3 साअतें वफात हासिल होने के बाद आसमानों पर उठाए जाने का कौल किया है और मोहम्मद बिन इसहाक ने 7 साअतें वफात हासिल होने के बाद आसमानों पर उठाए जाने का जिक्र किया है। तीसरी वजह रबी बिन अनस का कौल है, आपको आसमानों पर उठाते वक्त वफात अता की गई। चौथी वजह अगरचे वाव तरतीब पर दलालत नहीं करती, लेकिन तरतीब वाला मायने एतबार कर ही लिया जाए तो फिर इसका ये मतलब निकल सकेगा कि अल्लाह ताला ने आपको फरमाया कि मैं तुम्हें पहले फौत करने वाला हूं और फिर आसमानों पर उठाने वाला हूं, लेकिन ये कैसे करेगा और कब करेगा इसका जिक्र कहीं पर नहीं। ये दलील पर मौकूफ है और दलील से साबित है कि आप जिंदा हैं, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे और दज्जाल को कत्ल करेंगे, फिर फौत होंगे। इससे मालूम हुआ कि आपकी वफात पहले जो होगी वो यही है और आसमानों पर उठाया जाना बाद में होगा जैसा पहले था। पांचवी वजह अबू बकर वास्ती रहमतुल्लाह तआला ने फरमाया, इन्नी मुतवफ़िका का मायने ये है कि मैं तुम्हारी ख्वाहिशात और नफसानी मुनाफे के हुसूल को मारने वाला हूँ और मैं तुम्हें आसमानों पर उठाने वाला हूँ और इन ख्वाहिशात से दूर करने वाला हूं, ताकि तुम्हें ख्वाहिशात और गैज़ो गज़ब और बुरे इखलाक के जवाल से मलाइका का मकाम हासिल हो सके। क्योंकि जो शख्स अल्लाह ताला के मां सिवा की मोहब्बत को नहीं मारता, वो अल्लाह ताला की मार्फत हासिल नहीं कर सकता। छठी वजह बेशक अल-तवफ़ा का मायने किसी चीज को मुकम्मल तौर पर लेना। अल्लाह ताला अलीम व खबीर जात है, जिसे ये मालूम था कि कुछ लोग कहेंगे कि अल्लाह ताला ने आपकी रूह को आसमानों पर उठाया जिस्म को नहीं, तो रब ने मुतवफ़िका जिक्र करके इस वहम का इजाला कर दिया। अल्लाह ताला ने आपको मुकम्मल तौर पर यानी रूह और जिस्म दोनों को आसमानों पर उठाया। इस तावील के सही होने पर अल्लाह ताला का इरशाद गिरामी, वो आपका कुछ नुकसान नहीं कर सकेंगे। आयत नंबर 113 सूरह निसा इसकी दलालत कर रहा है। आह, रहमत व शफकत से महरूमी। आज कई दिनों के तातुल यानी फुर्सत के बाद फिर कलम को हाथ में लिया, क्योंकि वालिदा मुकर्रमा जो पीराना साली में भी पुराने पाक के 17-18 पारे हर रोज तिलावत करती थी और आखिरी 2 साल 10 पारे तिलावत करने का मामूल रहा, अचानक एक दिन 1.5 पारा तिलावत करने के बाद कमर में कुछ तकलीफ हुई। अगरचे बजाहिर तकलीफ दफा हो गई, खुराक में कमी होनी शुरू हो गई, जौफ बढ़ता गया। तकरीबन 1.5-2 माह यही कैफियत रही। पुराने पाक की तिलावत भी मामूल के मुताबिक जारी न रख सकी और आखिर इतवार की शब बाद नमाज इशा 14 जमादिल अव्वल 1417 हिजरी 28 सितंबर 1996 ईस्वी
اس دار فانی سے آپ نے رحلت فرما لی۔ مرحومہ مغفورہ نے اپنے بیٹے بیٹیوں اور پوتے پوتیوں اور نواسے نواسیوں کو دعا و رحمت اور شفقت و محبت بری نگاہوں سے محروم کر دیا۔ راقم یعنی صاحب کتاب ان تمام حضرات کے شکر گزار ہیں جنہوں نے کثیر تعداد میں جنازے میں شرکت کی، اور بالخصوص حضرت علامہ سید حسین الدین شاہ صاحب مد ذلہ و نورانی اعلی جامعہ رضویہ ضیاء العلوم راول پنڈی کا، جنہوں نے نماز جنازہ اور سوئم کے ختم قرآن میں شرکت فرما کر میری یعنی صاحب کتاب کی حوصلہ افزائی کی، اور والدہ مکرمہ کو دعائے مغفرت کا ہدیہ پیش کیا۔ اللہ تعالی والدہ محترمہ کو جنت الفردوس عطا کرے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے، آمین۔ قارئین اکرام سے بھی دعائے مغفرت کی درخواست کرتا ہوں، امید ہے شرف قبولیت عطا فرمائیں گے۔ ساتویں وجہ، انی متوفقہ کا مطلب یہ ہے کہ میں تمہیں فوت ہونے کی طرح کرنے والا ہوں، جس طرح اس کی خبر منقطع ہو جاتی ہے اور ظاہر زمین پر اس کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں، ایسے ہی تم سے بھی ظاہر طور پر لوگ کوئی نفع حاصل نہ کر سکیں گے، تمہاری زیارت سے مشرف نہیں ہو سکیں گے۔ آٹھویں وجہ، التوفا کا معنی قبض کرنا بھی آتا ہے، جیسے کہا جاتا ہے یعنی فلاں شخص نے میرے درہم میرے قبضے میں دے دیے، اور کبھی کہا جاتا ہے کہ میں نے اس سے دراہم قبضے میں لے لیے۔ اب معنی یہ ہوگا کہ میں تمہیں زمین سے نکال کر اپنے قبضۂ قدرت میں لے کر آسمانوں پر اٹھانے والا ہوں۔ اعتراض، اس صورت میں دونوں لفظوں کا ایک معنی ہوگا، کیونکہ متوفقہ کا معنی ہوگا قبض کرنا یعنی اٹھانا، اور رافقہ کا معنی بھی اٹھانا ہوگا، یہ تکرار ہے، اس کا کیا فائدہ؟ جواب، متوفقہ ایک عمومی معنی پر دلالت کر رہا ہے، یعنی یہ جنس ہے، اس کے تحت مختلف نوعیتیں ہیں، کیونکہ قبض کرنا کبھی موت کے ذریعے ہوتا ہے اور کبھی آسمانوں پر اٹھا کر ہوتا ہے۔ اب واضح ہوا کہ متوفقہ سے پتا چلا کہ آپ کو قبض کرنا ہے، کہ وہ کیسے؟ پھر رافقہ سے یہ واضح ہو گیا کہ آسمانوں پر اٹھا کر۔ نویں وجہ، متوفقہ کا معنی فوت کرنے والا نہیں بلکہ مکمل کرنا مراد لیا گیا ہے، اور مضاف یہاں محذوف ہے۔ اصل عبارت متوفی عمل کا ہے، یعنی میں تمہارے اعمال کو اپنے حضور مکمل طور پر قبول کرنے والا ہوں۔ یہاں تک تو پہلی تاویل کے مطابق کلام ہے جو اپنے ظاہر پر ہے، کوئی تقدیم و تاخیر کا اعتبار نہیں۔ دوسری تاویل، یعنی جب واو کو اپنی اصلی حالت میں رکھا جائے کہ واو میں ترتیب کا کوئی لحاظ نہیں ہوتا، تو اب معنی میں تقدیم و تاخیر ہوگی۔ اب آیت کریمہ کا مطلب یہ ہوگا، بے شک میں تمہیں اپنی طرف اٹھانے والا ہوں اور کافروں سے تمہیں پاک کرنے والا ہوں، پھر تمہیں دنیا میں جب اتاروں گا اس کے بعد فوت کرنے والا ہوں۔ تقدیم و تاخیر قرآن پاک میں کثیر جگہ واقع ہے۔ اتقان میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی نے اس کی کئی مثالیں دی ہیں، چند ملاحظہ ہوں۔ حضرت مریم کو رب تعالی نے حکم دیا اور سجدہ کرو اور رکو کرو، حالانکہ اس وقت بھی نماز میں رکو پہلے اور سجدہ بعد میں تھا، لیکن یہاں تقدیم و تاخیر کے طور پر ذکر ہوا۔ اللہ تعالی نے موت و حیات کو پیدا کیا، حالانکہ حیات موت سے پہلے ہے، وہ ذات جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ یہاں بھی مخاطبین کا ذکر پہلے ہوا اور ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کا ذکر بعد میں کیا گیا، اور تحقیق آپ کی طرف، آپ سے پہلے انبیاء اکرام علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی۔ یہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پہلے اور آپ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کا ذکر بعد میں ہے، اور انہوں نے نہ اسے قتل کیا اور نہ اسے سولی دی، بلکہ ان کے لیے ان کی شبیہ کا ایک بنا دیا گیا
और वो जो उसके बारे में इख्तलाफ कर रहे थे जरूर उसकी तरफ से शुबहा में पड़ गए हैं। इन्हें उसकी कुछ भी खबर नहीं मगर यही गुमान की पैरवी, और यकीनी तौर पर उन्होंने उसको कत्ल नहीं किया बल्कि अल्लाह ताला ने उसे अपनी तरफ उठा लिया। इस आयत करीमा में मा कबल यहूद के वादे तोड़ने, अल्लाह ताला की आयात से कुफ्र करने, अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम को शहीद करने का जिक्र किया गया है कि उनके दिलों पर मोहर लगा दी गई। इसकी वजह इनका कुफ्र करना और हजरत मरियम पर बोहतान लगाना और ये कहना कि हमने मसीह बिन मरियम को कत्ल कर दिया। इससे वाज़े हुआ कि इनका ये कहना ही कुफ्र था कि हमने ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया। इस आयत करीमा की तफसीर में अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं, वो दूसरे आसमान में जिंदा हैं। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस मेराज से साबित है। आप वही मुकीम हैं यहाँ तक के जमीन में उतरेंगे, दज्जाल को कत्ल करेंगे और जमीन को इस अदल इंसाफ से भर देंगे जैसे वो पहले जुल्म से भरी हुई होगी। हजरत पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं, कलिमा बल आयत मज़कूरा में जिसका तर्जुमा बल्कि होता है इब्ताल मा कबल के लिए है, यानी अल्लाह ताला यहूद को जो ईसा बिन मरियम के मकतूलियत और मसलूबियत के कायल थे बातिल करता है, और मा कबल और मा बाद बल अजराबिया अबतालिया के मुतजाद होते हैं, यानी दोनों में मुतहक्किक नहीं होते। वमा कत्लुहु यकीनन बल रफाहुल्लाहु अलैहि में हस्ब मुक्तजा कलिमा बल मकतूलियत कत्ल हो जाना और मरफूयत उठाया जाना, यानी मसीह के मारे जाने और उठाए जाने में मनाफात और अदम इज्तमा बिल तहकीक चाहिए। और जाहिर है कि माबैन मारे जाने और उठाए जाने रूह के आसमान की तरफ कुछ मनाफात नहीं, दोनों अम्र पाए जाते हैं। मुकर्रबीन से जो कत्ल किया जाता है उनकी अरवाह भी आलम अलवी को उठाई जाती है। अब बिल जरूरत रफा जिस्मानी लेना पड़ेगा क्योंकि मसीह के कत्ल जिस्मी और रफा जिस्मी दोनों में तजाद और तनाफी है। अगर जिस्म मसीह यहूद के हाथ में मकतूल हो तो वही जिस्म आलम बाला की तरफ मरफू न हुआ न उठाया गया, और अगर मसीह अपने जाहिर जिस्म के साथ बतहफ्फुज व अमान उठाए गए तो यहूद के हाथ में मकतूल नहीं हो सकते। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, खातून जन्नत हजरत फातिमतु जहरा रजी अल्लाह ताला अन्हा की कनीज़ हूँ। हम सुन रहे थे अल्लाह के नबी सैदना ईसा अलैहिस्सलाम की हयात के ताल्लुक से कुरान व हदीस की रोशनी में दलाइल। इंशाअल्लाह मजीद इसकी वजाहत हम कल के दर्स में समाप्त करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।